नहीं, मैं तो सिर्फ चाह रहा हूं युवाओं की आवाज है, तो हम तो वो जात पात वाले तो है नहीं, हिंदू मुसलमान वाले है नहीं कि लड़ा दो टकरा दो भिड़ा दो, और मुद्दे की बात कुछ नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ नहीं। मैं तो ठोक बजा के कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, और ये उत्तराखंड पूछ रहा है वही सवाल पूछूंगा, बेरोजगारी के मसले पर, रोजगार के मसले पर, स्वास्थ्य के मसले पर, शिक्षा के मसले पर एक एक सवाल पूछूंगा। सीमा जी जुड़ गई है मेरे साथ। सीमा जी कैसे हैं आप? मैडम आप कह रहे हैं 17,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया, बहुत बहुत मुबारक हो मैडम, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया है, बेरोजगारी खत्म हो गई उत्तराखंड से। मैं ये चाह रहा था एक छोटी सी गुजारिश थी, कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, आपको ऐसा लगता है? थोड़ा टाइम है, देखिए टाइम लगेगा, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता। देखिए कोरोना काल से भी निकल के हटे और ऊपर से धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। उत्तराखंड आज बहुत प्रगति कर चुका है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, लेकिन रही रोजगार की बात, कभी नहीं कहा कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, उत्तराखंड में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ और आगे होगा भी, ये भी हम आश्वासन देते हैं कि आगे भी होगा। आश्वासन तो अलग विषय है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करें आप। देखिए सरकार से सवाल पूछना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं सरकार से ही सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैडम बहुत जगह दब चुका है, लेकिन क्या करूं, ये कलम जो है ना बिकाऊ नहीं हुई आज तक, कभी ये कलम कोई खरीद ही नहीं पाया। मैं अगर बिक गई तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ तो मैडम ये जो कलम है ना इसलिए बिकाऊ नहीं है क्योंकि मैं सीधे सरकार से सवाल पूछता हूँ, ये मेरी आदत है, फितरत है, तो मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो सर आरटीआई लगा दीजिए। नहीं मेरे को डाउट लगेगा आपको, अगर आपको मैं आरटीआई रही कहां मैडम, सब दफन हो गया। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं कि ये सवाल जो मेरे सामने है मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। 17,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को आपने रोजगार देने की बात कही जी, कही आपने, आप विभाग के हिसाब से, विभाग के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, नाम के हिसाब से एक सूची जारी कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग की जो आपने जारी किए आंकड़े वो जारी कर दीजिए, क्या ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल, जो आपने क्वेश्चन उठाया तो ऐसा भी हो जाएगा। नहीं हो नहीं जाएगा मैडम, करके दिखाइए। मांग आई है तो, बिल्कुल अगर मांग आई है तो उस पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं जब आप करा हुआ है तो फिर क्या टेंशन? नहीं टेंशन है, मैं बता रहा हूं उसका रीजन ये है कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है मैडम उत्तराखंड में, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास, मैं बताता हूं। रोजगार कार्यालयों के मुताबिक 4,72,804, कुछ कहते हैं दीप वोरा जी जैसे हमारे भाई विपक्ष में जो हैं, उमा जी जैसे हमारी बहन, ये कहते हैं कि 8,00,000 से ज्यादा आंकड़े हैं, 8,00,000 से ज्यादा। इस हिसाब से आपने आंकड़ा सही दिया, विधानमंडल में यही आंकड़ा दिया गया जी। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, और सरकार का अलग अलग डाटा होगा। मैं सरकार और विपक्ष में उलझ नहीं रहा, मैं तो उत्तराखंड के युवाओं का सवाल पूछ रहा हूं बस। विधानसभा में सरकार ही नहीं थी। दीप भाई एक सेकंड उठाइए ना, विधानसभा पटल तो वही है, उत्तराखंड की जनता जानेगी ना हकीकत क्या है। जी करिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए। मैं बैठा हूं, मैं चलाऊंगा, कोई चलाए ना चलाए, मैं चुनौती देकर कहता हूं आप लोग आंकड़े लेकर आइए, मैं चलाऊंगा। लेकिन एक बात सीमा जी, इन 4 सालों में सरकार के मुताबिक अगर आपने 17,000 रोजगार दिए भी, मैं मान गया आपकी बात, सूची मत जारी करिए, नंबर मत जारी करिए, विभाग हिसाब से मत बताइए, लेकिन इस हिसाब से भी 2% लोगों को नौकरी मिली, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, मैं तो आपको कह रही हूं ना कि हमने जो करा वो हमने बता दिया, लेकिन वो अभी रोजगार नहीं मिला सबको, और मैंने कहा बोला कि आपको सबको रोजगार मिल गया, कह रहे हैं कि हम लोग आश्वासन मैडम 2% लोगों को रोजगार आगे करते रहेंगे, 2% लोगों को रोजगार। अभी भी देखिए अभी भी जो हम लोगों ने जारी करी है योजनाएं उसमें हमें रोजगार ही रोजगार है। अच्छा, इतने लोगों का यूनिवर्सिटी में मिलेगा, नर्सिंग कॉलेज में मिलेगा, अच्छा मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, उसके रोजगार योजना के तहत 20,000। एक छोटा सा और सुझाव दूं मैडम, स्किल मैपिंग करवाई है जो बेरोजगार युवा, उनकी स्किल मैपिंग हुई है कभी उत्तराखंड में? स्किल मैपिंग अभी तो नहीं, नहीं हुई ना। उमा जी लिख लीजिए, अपनी पार्टी कार्यालय में जब बैठ के मीटिंग होगी ना तो ये मुद्दा भी उठाइएगा कि स्किल मैपिंग करवाएंगे। स्किल मैपिंग दीप बोरा साहब, ये इसलिए जरूरी है ताकि पता तो चले कि कौन पकौड़े तल रहा है और कौन पंचर लगा रहा है, और फिर मनरेगा के नाम पर आप कहेंगे कि सबको रोजगार दे दिया हमने। उमा जी क्या ये विषय नहीं है आप लोगों के लिए?
एक सेकंड दीप भाई, एक सेकंड, देखिए सबको नौकरी देना, एक नौकरी देना, सब रोजगार के नाम पर आप पकोड़े तलवाएंगे तो वो रोजगार नहीं होगा मैडम। एमबीए का लड़का अगर बैठ के पकोड़े तलेगा तो वो रोजगार नहीं है। एक सेकंड, सवाल पर नहीं, नहीं मैडम लड़िए मत, आपस में लड़िए मत, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। सिर्फ छोटा सा सवाल था कि अगर सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 22.3% है, तो इसके इतर जो थी बेरोजगारी के हिसाब से आंकड़े पढ़ रहा हूं, 4,72,804 बेरोजगार कैसे हैं? ये पंजीकृत हैं? कैसे हैं मैडम? सीमा मैडम, छोटा सा सवाल था, आप लड़ते रहिए उनसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दीप भाई से भी लड़िए, किसी से भी लड़िए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सर देखिए, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि बेरोजगारी की अभी बहुत है स्थिति ऐसी कि जब हमको रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, और हम कह रहे हैं कि देखिए नौकरियां क्योंकि उत्तराखंड में ना तो एमएनसीज हैं ना बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाए लोग या लोग स्वरोजगार योजना के तहत चले तभी रोजगार मिल पाएगा। यहाँ पर कुछ है तो है नहीं ऐसा, एमएनसी तभी तो लोग दिल्ली भागते हैं, बच्चे उत्तराखंड के लोग बच्चे क्यों दिल्ली भागते हैं, क्योंकि एमएनसीज है, बैंगलोर में एमएनसीज है, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, तो रोजगार उस हिसाब से तो नहीं मिल सकता। अब सरकारी नौकरियां इतनी होती नहीं है, रोजगार नहीं मिल सकता, आपको अच्छे से पता है कि नहीं बिल्कुल मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिल सकता। मैंने कहा नौकरियां नहीं मिल सकती, इतने अपॉइंटमेंट सरकारी नहीं हो सकते, मैंने सिर्फ सरकारी नौकरी का जिक्र किया। कहते लेकिन रोजगार अभी हमने बोला ना कि हमने जो योजनाएं निकाली उसमें 20,000 लोगों को बोला हमने। ओके दीप भाई, क्विक रिएक्शन, फिर मैं एक और आंकड़ा बताऊंगा, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखिए इन्होंने अगर कोई कार्य किया है और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ, तो अपने अमीर कार्यकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री राजकोष और मुख्यमंत्री राजकोष से बहुत धन अब इनके घरों पे दिलाए, और ये चुनौती के साथ मैं कह रहा हूँ ये काम इन्होंने जरूर किया, और ये भी कांग्रेस ने मांग उठाई है, लेकिन अब कोई बोलने को तैयार नहीं होता। ये रोजगार दिया है कि आप जाइए सीधा एप्लीकेशन दीजिए, उनका आधार कार्ड लगाइए, पटवारी से मिलिए और इनके कार्यकर्ताओं को 10-20-25-50,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं, पता है बहुत गलत बोल रहे हैं आप, ये कांग्रेस के टाइम में होता था हमारे यहाँ, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ सीमा जी, बिल्कुल नहीं, आप चुनौती का आप मुझे एग्जांपल दीजिए उसका, आप मुझे आंकड़ों में आपको ये आप आ जाइएगा लेकर, आप सामने जनता का पैसा डायरेक्ट जनता पे आता है हमेशा, चाहे वो किसान के पास 2,000 जाता होगा, महिलाओं के पास जाता होगा, आमजनता के पास जाता होगा, जनता का पैसा जनता के पास आता है, केंद्र से आता है, डायरेक्ट जाता है जनता के पास। आप इंसान नहीं लगा सकते, जिस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ वहां नहीं बोलूंगा। चुनौती देख रही है, चुनौती को सामने गलत बोलते आप, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी और के लिए पैसा है और कार्यकर्ताओं को बिचा नहीं, बिल्कुल नहीं। 4,72,804 में से 22,000-20,000 लोग कंटिन्यू हुए, ये कौन कार्यकर्ता है आपके जिनको नौकरियां देनी है आप लोगों ने? हमको तो नहीं पता कौन से कार्यकर्ता, आप दिखा दीजिए हमें, हमें तो पता नहीं, आप ख्वाब में देख रहे होंगे, शायद ख्वाब में देखा होगा, ख्वाब में लिस्ट में हो गया, मंत्रियों के पीआरओ है, आरएसएस के लोग थाने में आजकल इंचार्ज, आरएसएस के लोग सचिवालय में आरटीआई में बिठा दिए गए हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें ना करो, आप महिलाएं सम्मान है आपका, सर माते तन दीप भाई, लेकिन मसला तू मैं गुम हो जाएगा मैं कायम हूँ, बिजली पानी सड़क शिक्षा बेरोजगारी इस पर चुनाव,